खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से, जहां रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहर सेवन से एक युवक की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद अस्पताल में पहुंचे परिजनों ने डॉक्टर पर ड्यूटी से नदारद रहने और बाहर से मेडिसिन मंगवाने का गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं मामले में रामानुजगंज पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला जिले के रामानुजगंज से लगे हुए झारखंड के गोदरमाना गांव साधुखुटी का है, जहां आपसी विवाद के बाद गुस्से में आकर एक युवक ने जहर का सेवन कर लिया, जिसके बाद युवक के परिजनों ने आनन फानन में जिला के रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उस समय कोई डॉक्टर ड्यूटी में मौजूद नहीं था, जिसके बाद परिजन इलाज के लिए घंटों भटकते रहे। वहीं इस दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि युवक को अगर समय रहते इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। वहीं घटना के बाद अस्पताल में पहुंचे बीएमओ ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए परिजनों के आरोप को निराधार बताया। परिजनों के आरोप पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। का युवक है अरविंद कुमार, उम्र करीब 23 वर्ष। इसका इसने जहर सेवन कर लिया था, जिसका इलाज के लिए यहाँ अस्पताल में लाया गया था रामानुजगंज का, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है और पुलिस नंबर कायम करके आगे की पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला ये है कि वो सल्फास खा के आया हुआ था, जिस हमारे हॉस्पिटल में लगभग 3:15 में आया था, जिसका आते ही सिस्टर के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा उपचार चालू कर दिया गया था, परंतु उसकी स्थिति खराब थी, जिस कारण से उसकी मौत हो गई है। हम यहाँ पे आए, लोग 10-15 मिनट से यहीं पे थे। कोई अस्पताल में मतलब जो होता है ना डॉक्टर, कोई किसी पता नहीं था, यहीं पे सो रहा था वो जिसका हुआ, तो इन लोग थे। उसके बाद पूछे कहाँ पर्ची कटता है, तो फिर हम लोग पर्ची कटवाए, 24 नंबर बोल ले जाने के बोले गए। उसके बाद एनएस का डब्बा उल्टी करवाने के लिए चाह रहा था, तो अस्पताल में नहीं था, एक सल्फास खा लिया था, तो उसको 3:45 लाए यहाँ। यहाँ आए तो कोई डॉक्टर कोई अच्छा नहीं था, नर्स के पास गए तो बोला कि पर्ची कटवा, पर्ची कटवाए तो बोला कि ले जाओ बेड में। उसके बाद यहाँ देखे कोई सुविधा नहीं, बोला कि नमक लेता बाहर से। इन लोग प्रेम संबंध था इन लोग का, है ना, और इन लोग नदी में निकट के पास गए, वहीं पे जहर उहर खाए, उसके बाद घर गए। इन लोग फिर टांग के लाए हैं उसको। अब जब यहाँ आया गया, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग है ही नहीं, 1 घंटा वेट करना पड़ा।